फिरोजाबाद में अखिल भारतीय सुवर्ण मंडल के पदाधिकारियों द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें द्विजेंद्र मोहन शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आगामी दिनांक 16 दिसंबर को रामलीला मैदान में विराट संत सम्मेलन यानी तपस्वी एवं राष्ट्रीय स्तर के विद्वान व महापुरुष देश के कोने कोने से पधार रहे हैं। संत महापुरुष 16 से 23 दिसंबर तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक प्रवचन करेंगे। साथ ही सुबह 7 बजे से गायत्री महायज्ञ व सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कथा का आयोजन किया जाएगा। वहीं 16 दिसंबर को प्रातः 8 बजे से 651 सौभाग्यवती महिलाओं की कलश यात्रा श्री राधा कृष्ण मंदिर से प्रारंभ होकर सदर बाजार मोहल्ला गंज डाकखाना होती हुई रामलीला मैदान स्थित कथा पंडाल में पहुंचेगी। इसी बीच यात्रा मार्ग में जगह जगह तोरण द्वार बनाए जाएंगे एवं यात्रा का भव्य स्वागत भी किया जाएगा। विराट संत सम्मेलन के आयोजक के लिए तैयारियाँ काफ़ी तेजी से की जा रही हैं। प्रेस वार्ता में द्विजेंद्र मोहन शर्मा, उमाकांत पचौरी एडवोकेट, हरिओम वर्मा पार्षद, प्रमोद राजौरिया पार्षद, विद्याराम राजौरिया, सुरेंद्र नागर, चंद्र प्रकाश शर्मा, प्रवीण अग्रवाल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए फिरोजाबाद से एसके चित्तौड़ी की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। अखिल भारतीय सोहम महामंडल का 43वां वार्षिक आयोजन 16 दिसंबर से 23 दिसंबर तक रामलीला मैदान में आयोजित होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा, ज्ञान यज्ञ और संत सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसकी कलश यात्रा 16 दिसंबर को नगर के सदर बाजार से गंज चौराहा होती हुई रामलीला ग्राउंड पहुंचेगी। उसके बाद यहां श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ होगा और नित्य 9 से 12 तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चलेगा और 2 से लेकर 5 तक संत सम्मेलन का आयोजन किया जाता है।